हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उच्चंदा वेदंदा में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ एक 2-in-1 मिनी वैक्यूम क्लीनर, जो कि आप कार के अंदर भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज घर में भी यूज कर सकते हो। दोनों जगहों पे ये ऑपरेट होता है, प्लस ये चार्जेबल है। इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल्स है, किस तरह से हमें इसे असेंबल करना है, इसका चार्जिंग टाइम क्या होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन देते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते वीडियो में आगे। सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमें अवेलेबल्स है। इसके साथ अटैचमेंट आपको 3 नोजल आ जाते हैं, जो कि एक एक नोजल कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो मैनुअल साथ में दिया हुआ है, मेड इन चाइना लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी है और मेड इन चाइना में भी है, दोनों साइड से आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसका ये वैक्यूम है और इसके साथ में सी टाइप चार्जर भी आपको दिया गया है, अदरवाइज आपके एडेप्टर से भी आप इसे चला सकते हो। मेन प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके का है, दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और ये बाई चांस किसी का डैमेज हुआ हो तो ये रिपेयर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसे अटैचमेंट किस तरह से हमें करना है। इसके अंदर का जो वैक्यूम से ये वॉशेबल है, यदि आपका खराब हो जाता है धूल मिट्टी से, इसे वॉश करना है आपको। वॉश करने के बाद में एक ही ख्याल रखना है आपको कि तुरंत अप्लाई नहीं करना, इसे पूरा सुखा लेना है, मतलब ड्राई कर लेना है पूरा आपको, तभी यूज करना है। एग्जैक्ट इस पॉइंट में आपको अटैच करना है बराबर फेस टू फेस। उसके बाद में यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं, वैक्यूम चलाते समय इस लॉक को कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद में यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला जो नोजल दिया हुआ है, ये पर्सनली आपको रूम के अंदर जो ग्रिल होती है, खिड़की वगैरह बोल सकते हैं आप, या ग्रिल होती है, ये ग्रिल में बराबर जाता है, जिसकी वजह से जो भी डस्ट जमी हुई है वो इजीली निकल जाती है आपके। अदरवाइज किसी किसी की ग्रिल यदि और भी छोटी हो तो ये नोजल यदि उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए ये एक अटैचमेंट आपको दिया हुआ है डस्ट, ये लगा लेना है आपको। उसके बाद में पूरा आप डस्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज डस्ट निकालते समय एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि क्या होता है, ग्रिल के अंदर जो स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग विंडो, तो बारिश की वजह से क्या होता है कि बारिश और डस्ट दोनों चिपक जाती है एक दूसरे से। तो अपने पास में दांत घसने का जो ब्रश रहता है उससे भी आप साफ कर लेना है पहले, या तो फिर हेयर ड्राई करते हैं अपन, वो ब्रश यदि हो आपके पास तो उससे भी आपको पहले पूरा क्लीन कर लेना है, उसी के बाद में वैक्यूम चलाना है। मतलब जितनी भी डस्ट है वो पूरी कलेक्ट हो पाए, सिर्फ गीली जगह पे आपको यूज नहीं करना है, जहाँ पे सूखा है वही आपको यूज करना है। अदरवाइज इसमें जो पीछे साइड में ब्लोअर दिया हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये आप कुछ चेयर पे यूज कर सकते हो, आप सोफे पे यूज कर सकते हो। अदरवाइज यदि आपको ब्लोअर करना हो तो ये वाला पॉइंट से यहाँ से निकालना है, तो इस साइड में लगाने का है, यहाँ से आप ब्लोअर कर सकते हो। लेकिन ब्लोअर करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे का जो ये साइड से ये निकाल लेना है आपको, तभी आप ब्लोअर कर सकते हो। यदि ये लगा के यूज करोगे तो उसकी जो स्पीड है आपको वो कम मिलेगी, इसी वजह से इसे निकाल लेना है, उसके बाद ही ब्लोअर करना है आपको। मतलब कहीं पर भी आप उड़ा सकते हो, बलून वगैरह यदि आपको फुलाने हो तो बलून भी यहाँ से फुला सकते हो। अदरवाइज इसका जो चार्जिंग टाइम्स है, करीबन 3 से 4 घंटे ये चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज करते समय हर किसी का जो चार्जर्स है वो एक्सेप्ट नहीं होता है एडेप्टर, इसी वजह से आपको 3 से 4 घंटा कंटिन्यू चार्ज करना है। चार्ज करते समय जब जो ब्लू कलर का आपको लाइट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, तो चार्जिंग के पॉइंट पे लगाने के समय आपको यहाँ पे रेड कलर का लाइट दिखाई देगा, रेड कलर का लाइट मतलब चार्ज हो रहा है, और जब ग्रीन लाइट यहाँ पे लग जाएगा तो ये फुल चार्ज हो जाएगा, तभी आपको उसके बाद में यूज करना है। लाल लाइट हो तो यूज नहीं करना है आपको, ग्रीन लाइट जब आ जाएगा आपको चार्जिंग होने के बाद तभी फुल हो जाएगा। अदरवाइज इसका बैकअप आपको करीबन आधे घंटे तक मिलना है, लेकिन कंटिन्यू यदि आप ऑन रखोगे तो ये 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी वैक्यूम क्लीनर्स हो, बड़ा यदि वैक्यूम क्लीनर्स लेते हो आप तो वो भी 4 से 5 मिनट में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये छोटा है, इस हिसाब से इसको 4 से 5 मिनट यूज करने के बाद वापस आपको ऑफ कर लेना है, उसके बाद एक दो सेकंड का गैप लेके वापस ऑन करना है। ऑन ऑफ करते रहोगे तो आधे घंटे तक ये बेस्ट आपको बैकअप देगा, गाड़ी में यूज करने के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज ये जो पार्ट्स है आपका एसी में इजीली, एसी की जो ग्रिल की पट्टियाँ होती है गाड़ी में, या घर में एसी होती है तो एसी की पट्टियों में धूल वगैरह मट्टी वगैरह जमी होती है, तो उसके लिए ये भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये ग्रिल में बराबर जाता है तो ईजिली पट्टिया वगैरह आपकी वॉश हो जाती है, बाकी गाड़ी में भी आप इजिली ऑन कर यूज कर सकते हो और घर में भी, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत आती हो आपको वैक्यूम क्लीनर्स में इसके मामले में तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा आप, तो उसका जवाब जल्दी से दे पाने की कोशिश मैं करता रहूँगा। तो चलो बाय, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।